What's up guys, the street guy में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कल मुझे एक बंदे ने कमेंट्स में पूछा था कि ये वीडियो ब्लैक एंड वाइट में क्यों है, आपने मेहंदी लगाया है इसलिए और आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी दिखने के लिए इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एडिटर, मुझे एक लगा इफेक्ट देने का इसलिए मैंने दे दिया था वो गलती से। अगर नहीं चाहिए होगा तो सॉरी फ्रॉम माय साइड। सो ये वीडियो है, मैंने कुछ और दो चीज़ें लाई हुई है। जिन लोग थोड़ा अपना जो भी है पैसे का लिमिट थोड़ा पुश कर सकते हैं उनके लिए है। और आपको मैं एक नॉर्मल हेयर ग्रोथ दिखा दूँ, मेरी ये जो दिख रहे हैं आप एक पतले पतले हेयर्स जो कि ये नीचे है, पतली हेयर्स, ये सब स्लीपिंग पोजीशंस। और जो मैंने डर्मा रोलर एक बताया, कॉम वाला बताया है, और मैस्टर्बेशन का तो आपको आ गया होगा ध्यान में कंसेप्ट कि किस तरह अपना प्रोटीन जाता है। अगर आप मैस्टर्बेट करते हो, हफ्ते में दो बार भी करते हो दैट इज़ फाइन, बट आपको उतना प्रोटीन कवर करने के लिए आपको प्रोटीन टैबलेट्स खानी पड़ेगी जो भी है मल्टी विटामिन्स वाली। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ई विटामिन की जो कैप्सूल्स आती है, एक छोटी टैबलेट्स आती है, जिसके जो भी मतलब फ़ायदे और नुकसान है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मैंने कुछ भृंगराज, आपने सुना होगा एक जड़ी बूटी है भृंगराज, जिसका शेप मतलब ऐसे जैसे बरगद का पेड़ को जो नीचे लगी हुई रहती है, लंबी लंबी जो होती है बालों जैसी, जटा जैसी रहती है, वो वही कंसेप्ट है भृंगराज में, जो अपने बालों को रूट्स को एकदम मजबूत और हेयर ग्रोथ को फास्ट बना देता है। सो ये भृंगराज का मैंने एक ऑयल ख़रीदा था, एक्चुअली घर पे एक सेल्समैन आया था, सो मैंने देखा एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करके। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये भृंगराज है नीचे, मतलब उसका जो भी एक्सट्रैक्ट है मैं आपको दिखाऊँ ये कवर निकाल कर। यस, ये देखिए इसमें उन्होंने भृंगराज का एक छोटा एक डाली रख दिया है अंदर, जो कि भृंगराज का एक्सट्रैक्ट है वो ऑयल में मिक्स होते रहेगा और वो आपके बालों में, आपके स्कार्प में, आपके रूट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मुझे जस्ट दो ही दिन हुआ है, इसे रात को लगाता हूँ, एक घंटा लगाता हूँ सिर्फ, ध्यान में रखिए एक घंटा, ओवरनाइट लगाते हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट ध्यान में रखिए कि आपके फ़ैन में बहुत ज़्यादा कचरा नहीं लगा हुआ है और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हवा नहीं आ रही है, ताकि धूल वगैरह आपके बालों में चिपक सकती है और वो आपके स्कार्प को हार्म कर सकती है, ठीक है। सो यही है ओवरनाइट का कंसेप्ट, ओवरनाइट मत रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, एक दो घंटा दैट इज़ फेयर इनफ। और उसी के साथ एक और प्रोडक्ट दिया उसने मुझे, दैट इज़ एलिमेंट्स का एक शैम्पू है, एलिमेंट्स विलनेस, ये है एंटी नॉरिश एक्टी नॉरिश कॉम्प्लेक्स जिसमें है। अब हम देखते हैं, मैंने बहुत सारी लोगों के क्वेश्चन आंसर देखे कि लोग डैंड्रफ के बारे में बहुत परेशान है, बोलते हैं कि मेरा स्कार्फ बहुत ही ड्राई हो चुका है, बाल टूट रहे हैं, बाल रूट से नहीं बल्कि आधे टूटते हैं, बाल थीन हो जाते हैं। सो डैंड्रफ होता है पसीने से होता है, ओवरनाइट आप अगर कुछ भी ओनियन जूस लगा के सो रहे हो, अदरक नींबू कुछ भी लगा के सो रहे हो, या फिर अपना सादा कोकोनट ऑयल, तो ध्यान में रखिए अपन अगर मुंह पे पूरा ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं तो आपके सर में पसीना आ जाता है, फिर लाइट बीट चली जाती है अंदर, या फिर आप पिलो के नीचे सर रख लेते हो, पिलो ऊपर से रख लेते हो, तो वो पसीना बहुत ही डेंजरस रहता है आपके साथ के लिए, क्योंकि वही जड़ है जो आपके बालों में बैक्टीरिया पैदा करता है और आपके रूट्स को है ना कमज़ोर बना देता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए अपना हेड कभी भी ड्राई होना चाहिए, ड्राई इन द सेंस पसीने से, मतलब पसीना नहीं होना चाहिए, ड्राई मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा रूखा बना दो। इसके लिए ये शैम्पू है जिसमें है आमंड, मतलब बादाम का जो दूध रहता है, बादाम का दूध रहता है जिसमें आपके बालों को नॉरिशमेंट होता है, ठीक है, मतलब ड्राई होता नहीं है आपका सर कभी भी, क्या बोलते हैं ना उसे, फटा हुआ नहीं, ईचिंग नहीं होगा, खुजाएगा नहीं सर,
सो ये शैम्पू जो है मैं 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये यूज़ करो या फिर बहुत फ़ायदा हुआ, ये हुआ वो हुआ, मैं भी आपके साथ ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। सो ये एक शैम्पू है जिसमें है, और है एलोवेरा भी है जो कि सभी को पता है कि हाइड्रेट करता है, बालों में पानी की कमी हो जाए, बाल ड्राई हो जाए तो उसे बाल पानी प्रोवाइड करता है। और मैं और एक रेकमेंड करूँगा, अगर आपका स्काल्प बहुत गर्म रहता होगा, कभी भी हाथ लगाते हो सर में, तो एक नॉर्मल सा एक टेम्परेचर आपके सर में रहता है, राइट, नॉर्मल सा एक टेम्परेचर रहता है सर में, जो भी बाल झड़ने का कारण बन सकता है, क्योंकि हीट होती है तो ऑटोमेटिकली बाल झड़ते हैं, ठीक है। सो एलोवेरा का अगर आप पल्प निकालते हो, पल्प सो सिंपली एलोवेरा से निकलता है, या फिर एलोवेरा का जूस निकालते हो, वो सिंपल अगर लगाते हो तो वो आपके बालों को हाइड्रेट कर देगा, आपके बालों में पानी की अगर कमी रहती होगी तो वो प्रोवाइड करेगा, और आपके बाल सिल्की हो जाएंगे धोने के बाद, और स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं एलोवेरा के, और ये अगर मिलता हो आपको अमेज़ॉन पे, अभी आई एम येट टू चेक ऑन अमेज़ॉन, इट्स ऑन एंड ऑन का महाभृंगराज हर्बल ऑयल है, मिलता है तो दैट इज़ गुड, और अगर नहीं मिलता है तो उसको ऑप्शन आप महाभृंगराज जिसमें भी होगा, एक सुलेखा ऑयल करके है, अमेज़ॉन पे मैंने चेक किया, उसका भी अच्छा खासा रिजल्ट्स है, इंदुलेखा का ऑयल है, जिसके साथ कॉम भी आता है, जो कॉम आप घुमाते हैं तो प्रॉपरली आपके मतलब जो ऑयल है वो रूट में जाता है, ठीक है, डायरेक्टली रूट में जाता है, ऊपर हिस्से में नहीं लगता है। सो वो एक मैं रेकमेंड करूँगा जिसमें भी महाभृंगराज है, और जटामानसी करके, जटामानसी भी एक नाम में ही आपको समझ जाएगा कि जटाओ जैसा लंबा लंबा चीज़ रहता है, वो आपके बालों को, रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। सो ये आपको देखिए डैंड्रफ हटा देगा, ये चीज़ें आपके रूट स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही तेज़ होगी, ठीक है, और वही बालों में अगर आपके पानी की कमी होगी, सो ये एलिमेंट्स करके एक शैम्पू है, वो यूज़ कीजिए। अभी ये यूज़ कैसे करना है, ठीक है, सो मैं एक सिंपल बात बोलूँगा कि अगर आप ड्राई बालों में कुछ चीज़ लगाते हो तो उससे बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, तभी पूरे बाल गीले होते हैं, राइट। सो सिंपल है बॉस, थोड़ा पानी अप्लाई कर लो पहले बालों में, ठीक है, ताकि आप ऑयल लगाते हो तो 2-3 बूंद ही लगेंगे जो पूरी तरह सर में फैल जाता है, ठीक है, और शैम्पू का भी वही सेम चीज़ है। अगर आप बाथरूम में 2 घंटे भी आप बाल घिसते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा, बाल घिसो नहीं है, ठीक है, घिसना नहीं है, बाल थोड़े गीले कर लीजिए, और शैम्पू जो है वो दोनों हाथों से ऐसे करके सिर्फ डायरेक्टली रूट में जाने दो, ठीक है, डायरेक्टली रूट स्काल्प में जाने दो, ऐसे ऐसे नहाने के कुछ हाफ एन आवर पहले, आधे घंटे पहले शैम्पू लगा लीजिए, बाल थोड़े पहले गीले करने, फिर शैम्पू अप्लाई करना है और फिर धो लेना है। उसका बेनिफिट यही रहेगा कि शैम्पू जो है आपका बालों में जो मैल रहता है, मैल वो नरम कर देता है, ठीक है, नरम मतलब इजीली निकल सकता है, वो इजीली मिट्टी जैसा रहता है, उसे अगर पानी लगता है तो वो निकलता है, राइट। वही सेम चीज़ है, अगर शैम्पू आप आधे घंटे पहले लगाते हो तो जो भी उसमें चीज़ें हैं, जो भी उसमें एक्सट्रैक्ट्स है, बादाम के गुण है, वो सब आपके बालों तक पहुँचे, इसलिए उसे आधा घंटा पहले लगाना है, फिर जाके धो लेना है, ठीक है। उससे क्या है कि वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से मतलब बेनिफिट आपको जल्द से जल्द मिलेगा, ठीक है, ये थे कंसेप्ट। और हम जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने वाले हैं, और सही में आप अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं। मुझे ब्राज़ील से भी एक बंदे ने पूछा था वीडियो में कि उसकी लैंग्वेज में पूछा था, सो मेरे को कुछ समझा नहीं वो लैंग्वेज, पर मैंने क्या किया, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया और ट्रांसलेट करके उस बंदे की हेल्प की, जो भी मुझे समझा, जो भी मैंने वीडियो में बताया, वो सब चीज़ें मैंने इंग्लिश में टाइप करके ट्रांसलेट हुआ उसमें पेस्ट कर दिया कमेंट में, तो बंदा भी मतलब हैप्पी हो गया कि सपोर्ट करते हैं। सो यही सब चीज़ें रहती है, छोटी छोटी चीज़ें, और लोगों की हंसी बहुत ही मायने रखती है, लोगों की जो रहती है ना वो सेटिस्फैक्शन बहुत ही मायने रखता है। सो दोस्तों ये 2-3 कंसेप्ट थे आज के वीडियो में, होप मैंने बोर नहीं किया आज भी, नहीं वो तो थोड़ा बहुत करता ही हूँ, प्लीज़ इग्नोर। और
बस दुआ करते हैं आपके बालों के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्ट्रीट गाय. शेयर, कमेंट, लाइक इफ यू वॉन्ट. थैंक यू.